मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पिता श्री पूनम चंद यादव जी पंचतत्व में विलीन हो गए। आपको बता दें कि मंगलवार को उनका निधन हुआ था, बुधवार को उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार उज्जैन में हुआ। आपको बता दें कि इस वक्त की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी सामने आई, एमपी तक ने भी आपको दिखाई, जिसमें डॉक्टर मोहन यादव काफ़ी भावुक नजर आए। इस वक्त पर वो अपने पिता को याद करते हुए भी दिखाई दिए। अपने पिता को याद करते हुए उन्होंने कई ऐसे किस्से बताए जो शायद आज तक किसी ने भी नहीं सुने हों। क्या कुछ कहा है डॉक्टर मोहन यादव ने, आपको विस्तार से हम बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूँ आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दर्शकों को बता दें कि डॉक्टर मोहन यादव जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके पिता पिछले एक सप्ताह से बीमार चल रहे थे। उज्जैन के निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, जहां पर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। मंगलवार देर रात उनके पिताजी की मृत्यु हो गई, जिसके बाद बुधवार को उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार उज्जैन के शिप्रा के तट पर हुआ। अंतिम संस्कार में मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के कई नेता, कई चेहरे पहुंचे। खासतौर पे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहे। साथ ही बीजेपी और कांग्रेस के भी कई नेता यहाँ पर पहुंचे हुए थे। इस दौरान सभी आत्मीयता से मोहन यादव से बात कर रहे थे, उनके परिवार जनों को ढाढ़स बंधाते हुए दिखाई दे रहे थे। इस मौके पर डॉक्टर मोहन यादव ने अपने पिताजी को लेकर कई किस्से साझा किए। उन्होंने बताया कि कैसे जब वो सीएम बने तब उनके पिता ने सरकारी गाड़ी में बैठने से इनकार कर दिया था। आपको बता दें कि सीएम मोहन यादव अपने पिता के निधन पर जब आमजन उनसे मिलने पहुंचे तो अपने पिता के साथ बिताए पल को याद करके भावुक हो गए। डॉक्टर मोहन यादव अपने पिता की यादों को साझा करते हुए बता रहे थे कि उज्जैन विकास प्राधिकरण के चेयरमैन से लेकर विधायक बनने, मंत्री बनने और मुख्यमंत्री बनने पर भी उनके पिता ने कभी भी सरकारी सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं किया, हमेशा उससे परहेज किया। उन्होंने बताया कि जब वो पहली बार विधायक का चुनाव जीत कर आए, उन्होंने अपने पिता के पैर छुए तो उन्होंने कहा कि तुम जीत गए, ये अच्छी बात है, लेकिन जीवन हमेशा स्वाभिमान से जीना और अपने कर्मों पर विश्वास रखना। इतना ही नहीं, डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि जब वो मुख्यमंत्री बने और उनका आशीर्वाद लेने उज्जैन गए अपने घर पर, तब उन्होंने जब डॉक्टर मोहन यादव ने उनके पिता से भोपाल आने के लिए कहा, तब उनके पिता श्री पूनम चंद यादव जी ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो उज्जैन में ही ठीक हैं, तुम भोपाल जाओ और भोपाल से ही काम करो और जनसेवा करो। इतना ही नहीं, डॉक्टर मोहन यादव ने ये भी बताया जब वो आमजन से बात कर रहे थे तब कि उनके पिता ने कभी भी किसी भी सरकारी सुविधा का इस्तेमाल नहीं किया। इतना ही नहीं, वो कभी सरकारी गाड़ी में भी नहीं बैठे। आपको बता दें कि डॉक्टर मोहन यादव के पिता स्वर्गीय पूनम चंद यादव जी की आयु लगभग 100 वर्ष थी। जैसा कि हमने आपको बताया कि वो लगभग एक सप्ताह से बीमार चल रहे थे और मंगलवार देर रात उनका निधन हुआ, जिसके बाद उज्जैन में उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई और हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया गया। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।